मैं बता दूं आपको, बहुत स्लो, इसमें क्वेश्चन सुन लो फटाफट, इसमें से फिक्स है क्वेश्चन, है ना। बहुत स्लो पढ़ा, बहुत स्लो के बाद पढ़ा फ्लक्स, उसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखो, पहले तो वो आए लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कंडक्टिंग शीट की वजह से और नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तीनों में प्रोसेस अपने को सेम रखना है। क्या प्रोसेस रखना है? पहले निकालेंगे डायरेक्शन, फिर सेकंड में निकालेंगे मैग्नेट्यूड, फिर लास्ट में लिख देंगे जो दोनों को मिक्स करके कि भाई ये तो स्केलर फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। क्लियर है? सबका प्रोसेस सेम था। अब इसी तरीके से शेल्स को, ये गोला होता है ना, चालक गोला या चालक गोला, इसी तरीके से शेल्स को डिवाइड किया हमने। शेल्स के कितने डेरिवेशन आएंगे? दो, एक कंडक्टिंग शेल के लिए और एक नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए। तो देखो शेल दो तरह के हैं, एक तो है कौन सा कंडक्टिंग शेल होता है, शेल शेल गोला, एक तो है कंडक्टिंग शेल, दूसरा कौन सा शेल है बोलो? नॉन कंडक्टिंग। अरे अगर मैं कंडक्टिंग शेल में चार्ज दूंगा तो चार्ज कहाँ पर आ जाएगा पूरा बोलो? सरफेस पर। सरफेस पर आ जाएगा, और शेल के अंदर चार्ज कितना होगा? जीरो। यानी फुटबॉल से, फुटबॉल मान लो कंडक्टिंग बॉल है, लोहे की एक बॉल है, उस पर अगर मैं चार्ज दूंगा तो पूरा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस पर। यानी उसके अंदर चार्ज जीरो होगा, ये तो कंडक्टर है। और नॉन कंडक्टर क्या होगा? चार्ज इसमें हर जगह होगा, अंदर भी और बाहर। क्लियर है? तो पहले पढ़ रहे हैं हम लोग कंडक्टिंग के लिए, इसके लिए पढ़ रहे हैं, पहले कंडक्टिंग के लिए पढ़ लेते हैं। इसके लिए भाई देखो, अच्छा कर देंगे देखो ना, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की खासियत क्या होती है बताओ? चार्ज कहां पर रहेगा? इसके सरफेस पर रहेगा। देखिए इनसाइड चार्ज कितना होता है? जीरो। इसकी सरफेस पर चार्ज, तो क्या माना हमने? माना कि इसकी सरफेस, लेट सपोज द चार्ज इज क्यू, चार्ज इज क्यू ऑन द सरफेस एंड रेडियस इज कैपिटल आर। रेडियस कितनी मान ली इसकी? कैपिटल आर। तो इस शेल की वजह से हमें तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितनी जगह? तीन जगह, एक आउटसाइड, एक इनसाइड और एक सरफेस। ठीक है ना? अगर मैं आउटसाइड फाइंड करता हूं, कहां पर फाइंड कर रहा हूं? आउटसाइड। बोलो आउटसाइड के लिए कोई गोला है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर से स्मॉल अमाउंट डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया, जो पॉइंट पी कहां पर है बोलो? आउटसाइड। देखो इस बार आर लिया, हर बार ही आर लेंगे हम, लेकिन यहां इसको स्मॉल आर बड़ी है किससे? कैपिटल आर से। यानी इसके लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर लिख दूं मैं? यस सर। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? उसके बाद थ्योरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नाउ वी सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस व्हिच पास थ्रू द पॉइंट पी। बताओ गॉसियन सरफेस की खासियत क्या थी? हर जगह इसमें सेम थीटा सेम। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ये सेलेक्ट कर ली। अच्छा अब गॉसियन सरफेस पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डीएस। बोलो किधर होगा ये? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। स्फीयर लिया मैंने ना कि सर्कल, ये स्फीयर है। ठीक है? अच्छा अगर मुझे इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो किधर होगी उसकी डायरेक्शन? बोलो बाहर ही होगी, नहीं होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी कैसा होगा? पॉजिटिव। किधर भागेगा वो? इधर की तरफ। अब इसमें क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? बॉस लॉ। बॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे बोलो? सरफेस इंटीग्रेशन E dot ds is equal to summation q upon epsilon naught integration ds E dot ds, that is क्या हो जाएगा? E ds cos theta is equal to summation q upon epsilon naught। cos theta कितना होगा बोलो? zero। cos zero की वैल्यू वन, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितना होगा ये? cos zero। cos zero की वैल्यू कितनी होगी? वन। that is surface integration E ds is equal to summation q upon epsilon naught। क्या ई आ जाएगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बाहर निकाल लूं, अंदर क्या बचा बोलो? इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सर, समीशन क्यू टोटल चार्ज के साथ बोलो क्यू है कि नहीं है, तो इसकी जगह कैपिटल क्यू लिख दूं मैं? इंटीग्रेशन डी एस, देखना डी एस 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 मिलकर पूरे का एरिया बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr2। अच्छा आर कौन सा आएगा, कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल आर आएगा, क्योंकि देखो डी एस स्मॉल के लिए, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है ना? इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू 4πr2, लिख दूं वैल्यू सीधी? यस सर। ई इनटू 4πr2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। 4πr2 को नीचे भेज दूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πr2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन। 1 अपॉन 4πε0 क्या होता है बेटा? k। 1 अपॉन 4πε0 क्या होता है? k। दैट मींस ये किसकी तरह लगेगा मेरे को? k पॉइंट चार्ज q अपॉन ε0। दैट मींस ये पूरा जो स्फीयर है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये देखो r2 है,
किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। यस सर। ये किसके लिए? आउटर के लिए। आउटर के लिए दूर से देखेंगे तो कैसा लगेगा? पॉइंट चार्ज की तरह। समझ में आगे बात नहीं आ रही। चाहो तो इसको लेंगे। अब देखो आगे सेकंड स्टेप में क्या करना है बोलो हमारे को, क्योंकि वैल्यू रखनी नहीं रखनी सर। अरे डेंसिटी पढ़ाई तुम्हारे को, इसलिए पढ़ाई थी, इसलिए पढ़ाई था कि आज की तारीख में तुम रख दो। डेंसिटी, डेंसिटी कौन सी आएगी बोलो? सरफेस या वॉल्यूम? सरफेस आएगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे लिखते हैं? एरिया। एरिया कितना होगा बोलो? 4 पाई। कौन सा आएगा? कैपिटल। कौन सा आएगा? कैपिटल। इसका ध्यान रखना बस खाली, यहां मिस्टेक मत कर देना। मुझे की की वैल्यू पुट करनी है तो क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा इनटू 4 पाई r² बोलो। यहां तक गाड़ी समझ में आई? यस सर। अब क्यू की वैल्यू किसमें पुट कर दूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी फार्मूला निकल के आएगा वो मेरा फाइनल फार्मूला होगा। ठीक है, E is equal to देखना sigma into 4 pi r square अपॉन में नीचे क्या है? 4 pi r square रहता है। 4 pi को खा गया 4 pi। E is equal to कितना बचा? sigma into r square अपॉन में r square। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा ये स्केलर फॉर्म में आ गया। क्या एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है? सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। दैट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर जितनी दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आया बोलो? आउटसाइड। कहां पर आया? आउटसाइड ड्यू टू अ कंडक्टिंग शेल। किसकी वजह से है? कंडक्टिंग शेल बोलो, कंडक्टिंग स्फीयर बोलो। यहां तक काली समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? यहां तक कर देंगे हम लोग। इसके बाद सेकंड हम लोग निकालेंगे कहां पर बोलो? सरफेस पर। सेकंड का निकालेंगे हम लोग सरफेस पर। सरफेस के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? ये देखो इसको मिटा दो, कोई सरफेस को इमेजिनरी। अब सरफेस कहां लेनी पड़ेगी मेरे को? अब पॉइंट कहां पर बोलो मैं? सरफेस पर। कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट भी ले। अरे जितनी रेडियस ये है उतनी रेडियस स्मॉल आर होगी। जबकि सरफेस के लिए क्या कंडीशन है? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। अगर एग्जाम में खाली ये पूछता है कि गॉसियन सरफेस की हेल्प, गॉसियन लॉ की हेल्प से आप लोग कहाँ निकालो? सरफेस पर निकालो। तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्मॉल आर की जगह क्या लिखोगे आप? कैपिटल आर। सो गए बेटा साहिल? इधर तो आर है ही नहीं, है ना? तो लास्ट में चेंज कर दूं मैं तो ई बराबर सिग्मा आर स्क्वायर। क्या आएगा लास्ट में निकल के हमारे पास बोलो? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही आएगा कि निकल के सरफेस के लिए स्मॉल आर किसके बराबर होगा बोलो? कैपिटल आर। अरे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला बोलो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पर आया बोलो? सरफेस पर। क्या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा क्या? देखो एक बार सर, मैक्सिमम आर का नॉट आर स्क्वायर। देखो यहाँ तो आर की वैल्यू बढ़ती है कि घटता है? यहाँ पर तो कुछ है नहीं सारी। समझ में आ रही है? यानी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? मैक्सिमम। ठीक है, क्वेश्चन अगर वो घुमाना चाहे तो घुमा दे, वैसे घूमता नहीं क्वेश्चन। वो कहते कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो जहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम। लेकिन कौन सा निकालना अपने को? सरफेस वाला। आगे समझ में? तीसरा कहाँ निकालेंगे बोलो हम लोग? इनसाइड। तीसरा कहाँ निकालेंगे बोलो? इनसाइड द सरफेस। इनसाइड द सरफेस की कहानी देखो किस तरीके से है। देखना एक बार, देखो ये क्या लिया बोला पता? हमने कंडक्टिंग लिया है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग है तो क्या इसकी सरफेस पर ही चार्ज है? नहीं है, अंदर भी है। अरे अंदर तो चार्ज जीरो होगा ना? अंदर चार्ज जीरो है इसके। अंदर क्या बेटा? चार्ज जीरो। जीरो अगर अंदर चार्ज जीरो है तो ये जीरो चार्ज कर दिया। अंदर चार्ज जीरो तो कितना कर दिया? जीरो। अरे अंदर चार्ज जीरो कर दिया। अब देखो इससे कितनी डिस्टेंस पर निकालना मुझे बताओ? तो अंदर लेना है, बाहर लेना है? अंदर लेना है, बाहर लेना है? अंदर लेना है। यानी अंदर में कोई पॉइंट भी ले लेता हूँ। अंदर के लिए बेटा मैंने कोई पॉइंट भी ले लिया, इस पी पॉइंट को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, इसकी रेडियस तो कितनी है बोलो? कैपिटल आर। अब मुझे गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करना होगा जो उस पॉइंट से पास होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कैसा हो? सेम। तो इस बार कौन सी सिलेक्शन? ये रो, ये क्या मान ली मैंने? गॉसियन सरफेस। इसकी रेडियस मान ली मैंने स्मॉल आर। यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन ने मार भी तो स्मॉल आर मान ली।
बाहर भी आ जाएगा स्मॉलर मानते हैं क्या हो गया आ जाएगा स्मॉलर मानते हैं पी डिस्टेंस तो आ P पॉइंट है P क्या है पॉइंट है P एक पॉइंट है समझ में आ गई बात स्मॉल आर डिस्टेंस पर मेरे को निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस पर निकाल रहा हूं तो फार्मूला क्या होता है बताओ सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू q अपॉन r स्क्वायर क्या q जीरो है अंदर की तरफ अंदर कोई चार्ज है ही नहीं इसका मतलब ये भी कितना होगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी पर जीरो जीरो ही है बोलो बेटा याद है समझ में आ गई कहानी सर अब ग्राफ बनाते हैं किसका अब क्या बनाएंगे बेटा इसका ग्राफ बना लेंगे ग्राफ की बताएंगे ग्राफ बनाएंगे ई एंड आर ई क्या बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्या है डिस्टेंस आर क्या है बेटा डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस दे जा रहा हूँ अच्छा अंदर तो जीरो होता ही नहीं होता बोलो अंदर जीरो होता नहीं होता बाहर आएगा ये मान ले हम ये आर है ये डिस्टेंस है डिस्टेंस दर ले रहे हैं हम लोग और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं यहाँ क्या ले लेते हैं बोलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई और आर में ग्राफ बना रहे हैं सपोज कर लो स्क्वायर कुछ इस तरीके से हमारा है ना फिर भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं ये क्या होगी रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर यहाँ आर बराबर आ रहे और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया बोलो सरफेस का आगे नहीं आ गया और ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ आउटसाइड और ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो इनसाइड तीनों का मिक्स है क्या बस तीनों का मिक्स हो गया देखो ये इनसाइड आ जाएगा नहीं आ जाएगा बोलो ये सरफेस पर अच्छा सरफेस पर मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस पर मैं मैक्सिमम ले लेता हूं ये रेडी मेरी मैक्सिमम सरफेस पर मैक्सिमम उसके बाद जैसे जैसे बाहर जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा बोलो कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा कम यहाँ पे ले ली मैंने चलो ये मान लिया वाला पॉइंट यहाँ से ये मैक्सिमम ले ली इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा कहाँ पर जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट आउटसाइड देखते हैं एक बार E is inversely proportional to R. Outside के लिए है और inside कितनी होती है बोलो zero. Inside electric field कितना है? तो graph है नहीं तो अंदर की तरफ तो graph ना चलो. अपन constant निकाल सकते हैं इसको. किसको? Inside वाले. Inside constant थोड़ी inside तो zero है. Electric field है ही नहीं ना? Electric field होता तो करते हैं हम constant. ये रोगी बात नहीं होगी. यहाँ electric field है नहीं तो graph नहीं. Inside zero है. Inside कुछ graph नहीं है तो. ये रहते electric field R बराबर आपका maximum उसके बाद ही घटता जाएगा. That means, अगर तुम कोई पॉइंट चार्ज को ला करके सरफेस पर रख देते हो तो वो सबसे तेज भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज लगेगा उसके ऊपर क्या यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों के अरे ये वाला डेरिवेशन भाई ये चार डेरिवेशन है हां नया डेरिवेशन चालू कर रहा हूं अरे तुम कहोगे ये तो सेम है सर अब देखते जाओगे कमर सीधी करके एकदम बैठो भाई कैपिटल आर का नॉन कंडक्टिंग देखो इसमें हर जगह बना दिया हम लोगों ने ये मान लिया मैंने कैपिटल आर इसके रेडियस से सेंटर ओ से इस पर माना टोटल चार्ज कितना है भाई क्यू टोटल चार्ज कितना है इस पर क्यू अब आगे बढ़ते हैं इस पर भी वही तीन कंडीशन निकालेंगे इसके आउटसाइड हमें क्या निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस पर और इसके इनसाइड तो हमें देखने को मिलेगा कि आउटसाइड और सरफेस पर तो सेम है जैसे हमने पहले करा था आउटसाइड और सरफेस पर तो सेम आएगा किस तरीके से देखो आउटसाइड मैंने के लिए बेटा एक पॉइंट पी लिया आप पॉइंट पी फ्रॉम डिस्टेंस आर आप पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करेंगे लेट्स इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑफ स्मॉल आर रेडियस व्हिच पास थ्रू द पॉइंट पी ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी क्या लिखेंगे इमेजिन अ गॉसियन सरफेस of radius small r which pass through the point P. इस पर निकालना है अच्छा अब निकालने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस पे क्या ले लेंगे बेटा एक छोटा सा एरिया ले लेंगे ds बोलो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा अगर मैं यहां पर चार्ज ला कर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा बाहर की तरफ यानी अगर मैं आउटसाइड निकालना चाहता हूं तो क्या बताओ फार्मूला सेम निकल कर आएगा क्या कैपिटल r बड़ा स्मॉल r से वही क्या लगाएंगे बोलो गॉस लॉ क्या लगाएंगे गॉस लॉ क्या होता था बोस लो सरफेस इंटीग्रेशन v डॉट ds अपॉन f
इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन EDS cos थीटा हो जाएगा ये EDS cos थीटा इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन अरे cos थीटा कितना बताओ cos थीटा की वैल्यू 1 सर पहले वाली वैल्यू है कि मतलब वही वही सेम आएगा बेटा बिल्कुल सेम है और समेशन q की जगह q लिख दूं आंसर भी सेम आएगा सेम साइड चेंज आएगा बस एक साइड चेंज हो जाएगा समझ में आगे बात नहीं आगे बोलो इंटीग्रेशन डीएस बताना डीएस 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 में लिख क्या बनेगा फार्मूला 4 पाई r² निकालना क्या बेटा अपने को e क्या निकालना है e अरे क्या इसको बुझा दूं q / 4 पाई r² किसकी तरह बिहेव करेगा बाहर के लिए तो कोई चार्ज के लिए बाहर से देखने में कैसे लगेगा अरे दोनों एक साथ लेकिन अंदर आएंगे तो पता चलेगा समझ में आ रही बात मेरी क्लियरिटी आगे नहीं आगे बढ़िया क्या सेम है क्या Yes, अरे सेम है क्या अब इसके बाद क्या करते थे बोलो हम लोग क्यू की वैल्यू पुट करेंगे किसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से पुट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ चार्ज करेंगे सरफेस अब बताओ इसके अंदर सरफेस आएगा या वॉल्यूम आएगा इसके अंदर वॉल्यूम आएगा इसके अंदर क्या आएगा बेटा वॉल्यूम बेटा ध्यान रखना उस पर तो चार्ज सरफेस पर था इसलिए क्या निकाला मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी लेकिन इस बार चार्ज हर जगह है तो क्या यूज करेंगे हम वॉल्यूम बस फर्क सिर्फ इतना सा है समझ में आ गई बात नहीं आ गई तो क्यों बताना मुझे कि वॉल्यूम किससे लिखते बेटा रो से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चलो लिख देता हूं तुम्हारे को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लो बराबर क्या होगा बोलो चार्ज अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता सही बता रहा है चार 4/3 पाई r³ r कौन सा आएगा बताओ सर स्मॉल सही रहा छोटा छोटा सही स्मॉल आएगा स्मॉल स्मॉल आएगा किसको पता है स्मॉल r आएगा अरे चार्ज चार्ज किसके ऊपर है क्या स्मॉल r के ऊपर है क्या चार्ज सर किसके ऊपर है चार्ज अच्छा टोटल अरे टोटल किसके ऊपर है चार्ज r पे कैपिटल r पे अरे स्मॉल r पे कहां है चार्ज यार यहां मिस्टेक करोगे तो मैं ना तो इसलिए बता रहा हूं यहां मिस्टेक नहीं करनी भाई चार्ज कितना लगा के आप लोग चार्ज वाले फॉर्मूले पे गोले की रेडियस आएगी किसकी रेडियस आएगी गोले की वो तो इमेजिन करी हमने सरफेस कैपिटल r समझ में आ गई बात नहीं भाई ध्यान रखना 4/3 πr³ अब मुझे निकालना क्या है क्यों निकालना है तो कितना हो जाएगा रो 4/3 πr³ समझ में आ गया नहीं आ गया इसके बाद क्या करते हैं बताना मेरे को क्यू की वैल्यू किसके अंदर पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्यू की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे ना तो इधर लिख देता हूं देखो मैं e इज इक्वल टू लिख रहा हूं देखो रो 4/3 πr³ लिख दिया नीचे कितना है 4πr³ εr0 जो नीचे उसको नीचे रहने दो कितना है 4πr³ε0 देखना कौन कौन गया 4π से 4π गया बचा क्या मेरे पास रो आर क्यू अपॉन में कितना बचा बोलो 3π² εr0 और ये r क्यू ये क्या आ गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई कहां की तरफ आई ये बाहर की तरफ किसकी वजह से नॉन कंडक्टिंग चार्ज आएगा ना सर स्मॉल r में अगर वेक्टर निकालनी है तो क्या करूंगा मैं ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट r की डायरेक्शन में अरे r के पावर ये चार्ज में अलग काम करेगा r की डायरेक्शन माइनस ले लोगे अगर सुनो अगर ये प्लस चार्ज है तो किधर हो रहा है डायरेक्शन r के अगर माइनस होगा तो किधर होगा माइनस r के इधर आएगा माइनस चार्ज माइनस के लिए प्लस अब सपोज करो दूसरा भाई मेरे को कहाँ निकालना है सरफेस पर दूसरा कहाँ निकालना है मेरे को सरफेस पर अरे सरफेस के लिए क्या होगा बताना मेरे को सरफेस के लिए क्या होगा बोलो स्मॉल r इक्वल टू निकलेगा कैपिटल r स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r तो इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह क्या ले दूंगा बोलो मैं कैपिटल r ले दूंगा e इज इक्वल टू रो r क्यू अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या जाएगा बोलो कैपिटल r स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो कैपिटल r अरे ये तो खा गया एक बार
क्या है बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन डी एप्सिलॉन नॉट, ये कहां पे बोलो सरफेस पर, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है बेटा, क्योंकि खाली यहाँ पे 3 epsilon नॉट है, यहाँ पर देख लो 3 epsilon नॉट स्मॉल आर स्क्वायर कम होता जाएगा, बाहर कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वही वाली कहानी। और सरफेस पर क्या आया अभी तक, मैक्सिमम आया अभी तक। अब इसका इनसाइड वाला भी देख लेते हैं कौन सा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड केस नंबर थर्ड आप पाने का लेंगे इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या, लो में आर इज स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, एक नीचे कौन सी शेल बोलो हमारी नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल का मतलब ये इस पर चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ये क्या होगी इसकी रेडियस, अंदर किसी पॉइंट पर निकालना है तो अंदर कोई पॉइंट ले लो बेटा पी, अरे पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा बोलो गॉसियन सरफेस, तो मैंने मान लिया ये क्या हो गई एक गॉसियन सरफेस हो गई, ये रेडियस आ रहे गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है स्मॉल, थ्योरिकल हो गए, लेट्स सपोज द गॉसियन सरफेस ऑफ स्मॉल आर रेडियस, क्लियर है, स्मॉल आर रेडियस की एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करी हम लोगों ने। अच्छा गॉसियन सरफेस की खासियत क्या है, कहाँ से पास होनी चाहिए ये, जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ से पास, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब इसको भाई देखो अंदर पूरे पर चार्ज तो कितना है क्यू, तो अंदर कुछ ना कुछ चार्ज कम हुआ हो, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना मालूम है क्यू है, अब क्या करेंगे बोलो हम लोग, थीटा कितना होगा, यहाँ मैं डीएस ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इधर की तरफ, थीटा हमेशा जीरो, बाहर निकाल दूं इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में अब डीएस क्या है बोलो, डीएस का अंदर 4πr² r कौन सा आएगा बेटा, यानी e इनटू 4πr² इज इक्वल टू q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मुझे निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको नीचे पहुंचा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो e इज इक्वल टू q डैश अपॉन में नीचे आगे देखो ये 4πr² एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक की कहानी समझ में आती है क्या, लेकिन स्टेप क्या करना होता है अपने को बोलो, चार्ज डेंसिटी क्यू डैश की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी। अच्छा चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी बोलो, सरफेस या फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम की पूरे वॉल्यूम में है ना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है बोलो, रो इज इक्वल टू वी अपॉन वी चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा और पाई आर, पाई आर क्यूब, पाई आर पाई आर क्यूब, क्यूब आएगा क्यूब, क्यूब आएगा, आर कौन सा आएगा इतना समझने लग गए सारे लोग, नहीं समझने लगे। अच्छा क्यू डैश निकालना है, क्यू डैश निकालना है तो इसको इधर पहुंचा दूं, क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, अरे स्मॉल आर थोड़ी आएगा पूरे के लिए निकालते हैं ना अपन, स्मॉल आर बेटे बेटे से क्यू डैश कौन से परे, अरे इसका क्यू डैश चार्ज देखना देखना क्या करूं मैं, सही कर रहा हूं कि पाई आर क्यू, क्या इसकी वैल्यू पुट कर देते थे इसके अंदर, यस सर कर दोगे भाई राजी हो तो कर लो, देखना इसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इसके अंदर E is equal to बोलो क्यू डैश की वैल्यू पुट करी कितना आएगा, चार डैशी रो पाई आर क्यू अपॉन में नीचे कितना है 4πr² क्या पाई से पाई गया, एक बार आर गया, E बराबर और भी गया कौन गया, ये देख ऊपर से पड़ गया, ऊपर क्या बचा बता, रो क्लॉर आर से अपॉन एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, अरे ये क्या आया, ये कहाँ पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कहाँ पर आ गया भैया, अरे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बराबर रो आर अपॉन में 3 epsilon नॉट आया कि नहीं आया, रो कांस्टेंट है 3 constant epsilon नॉट कांस्टेंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, आर पे, आर भी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ता जाएगा, यानी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देखना क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लो जलिया तो अंदर वाले चार्ज की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर वाले चार्ज सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा,
फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका देखो ग्राफ बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं ग्राफ? प्लॉट कर लो इसको। सर वेक्टर बोल दे। वेक्टर फॉर्म देंगे। अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहोगे तो ये वेक्टर ही आसान है। या आर केप लगा दो। केप का मतलब होता है एक ही वेक्टर। ठीक है ना? एक ही बात। देखो एक बार अब फॉर्मूला बता दो फटाफट। बाहर की तरफ क्या है? बाहर इसका मतलब है ना, इसकी रेटर देना। बोलो कितना आया था ये बराबर? रो आर क्यू कैपिटल आर क्यू ना अपॉन में 3r² अच्छा सरफेस पर कितना आएगा बोलो? सर इक्वल टू वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना आएगा? रो कैपिटल आर अपॉन में 3r। अरे पता है तुम्हारे को। और स्मॉल आर बोलो अंदर की तरफ कितना आएगा? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल आर पे। देखना एक बार ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं देखना कुछ किस तरीके से आता है। सपोज कर लो ये सर्कल है, ये रेडियस में मान लेता हूँ आर। देख ये वाली पोजिशन कौन सी होगी? आर बराबर आर बराबर अंदर। अंदर की बात करता हूँ, अंदर जैसे मैं आर बढ़ाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। यस सर। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। समझ में आ गई? अच्छा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहाँ पर है भाई सर? ये इनसाइड सर। इधर लिख दूं मैं इनसाइड। सरफेस पर मैक्सिमम होगा क्या? यस सर। अरे सरफेस पर यस सर। और बाहर की तरफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? ओहो ये इनवर्स प्रोपोर्शन। ये कहाँ पर आगे बैठे आओ कहानी समझ में आ गई क्या सर? यस सर। इन डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पूछे जा रहा है। बोस लॉ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस साल। बोस लॉ बनाओ सर। नो सर बनाओ।